हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की सारी बड़ी खबरों को हम संक्षिप में जान लेते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी भगाइएगा मत, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो यदि आप भी एक सच्चे भारतीय है तो आपको इन सारी खबरों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इससे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर ढेर सारी बधाई, या भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, इसी बात पे एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की हमारी पहली खबर है टीवी देखने वालों के लिए बड़ी खबर, अब सेट ऑफ बॉक्स के लिए भी कराना होगा केवाईसी। जी हां दोस्तों, केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर। अब तक आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए या फिर सिम कार्ड लेने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस करवाते थे, लेकिन अब आपको टीवी देखने के लिए सेट ऑफ बॉक्स को भी केवाईसी करवाना जरूरी हो जाएगा। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने इस साल के शुरुआत में ही टीवी देखने वालों के लिए नियमों में बदलाव किए। अब ट्राई की तरफ से टीवी देखने वालों के लिए एक बड़ा नियम लागू कर दिया गया है, जिसके बाद आपको नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी की प्रोसेस करवानी होगी। अगर आप नया सेट टॉप बॉक्स लेते हैं तो भी आपको केवाईसी की प्रोसेस जो है करवानी पड़ेगी। और अगर आपके पास पहले से ही सेट टॉप बॉक्स यानी कि किसी भी कंपनी का डिश पड़ा हुआ है तो उसका भी आपको केवाईसी करवाना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि ट्राई के द्वारा 2 साल का समय दिया गया है, तो 2 साल के अंदर आप जब भी चाहे तब केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपका सेट टॉप बॉक्स तभी चलेगा जब आप केवाईसी की प्रोसेस को पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हमारी आज की अगली खबर है सावधान, अब ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों पर लगेगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना, परिवहन विभाग चलाएगा अभियान। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान के समय में कई ऐसी मोटरसाइकिल बाजार में उपलब्ध है जो कि ध्वनि प्रदूषण का कारण बन चुकी है, और इसी के साथ में लोग बाइक को मॉडिफाई करवाने के बाद साइलेंसर को बदलवा देते हैं, और जो मॉडिफाइड साइलेंसर होते हैं वह बिना काम के ही तेज आवाज करते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि का प्रदूषण होता है। और इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से एक सूचना जारी की गई है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मॉडिफाइड साइलेंसर की वजह से या फिर ध्वनि करता हुआ नजर आता है तो उसके ऊपर परिवहन विभाग की ओर से 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए तो हमारी आज की अगली खबर है IRCTC का यात्रियों को दिवाली का बड़ा तोहफा, 5 दिन सस्ते में कर सकेंगे तेजस एक्सप्रेस में सफर। जी हां दोस्तों, देश की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के द्वारा यदि आप सस्ती कीमत में सफर करना चाहते हैं तो रेलवे आपके लिए 5 दिन सस्ते में सफर करने का मौका दे रहा है। आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस एक ऐसी प्राइवेट ट्रेन है जिसके अंदर एयरलाइन जैसी सर्विसें उपलब्ध है, लेकिन इस ट्रेन का किराया बाकी ट्रेनों से बहुत ही ज्यादा है, जिसको लेकर रेलवे दिवाली के 5 दिनों तक जो है 35% तक की किराए में छूट देने वाला है। तो अगर आप भी देश की प्राइवेट ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। चलिए तो आज की हमारी अगली खबर है यूपी में आज से बदल गया इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, 100 की जगह करना होगा 112 डायल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपातकालीन की स्थिति में मदद मांगने के लिए अब 100 नंबर की जगह पर 112 नंबर डायल करना होगा। यह नंबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के कई राज्यों में भी पहले से ही लागू हो चुका है, और इसे हेल्पलाइन नंबर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू कर दिया गया है। अब आपको 100 नंबर की जगह पर 112 नंबर डायल करना होगा। आपको बता दें कि 112 नंबर डायल करने के बाद आप पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, किसी भी आपातकालीन सर्विस को बुला सकते हैं। चलिए तो हमारी आज की अगली खबर है जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से किया हमला, 6 जवान हुए घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में काका इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया और इस हमले में 6 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने CRPF और पुलिस के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया था और इस हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान काफी बौखला चुका है, जिसको लेकर पाकिस्तान कई बार आतंकियों की मदद से इस तरह के हमले करवा रहा है। पाकिस्तान की सेना भी इस तरह के हमलों का सपोर्ट कर रही है। चलिए तो हमारी आज की अगली खबर है नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द लिखने पर 250 वाहनों का चालान काटा गया, पुलिस ने कहा इससे लोगों में असुरक्षा फैलती है। जी हां दोस्तों, कई बार वाहन चलाते समय आपने भी ये नोटिस किया होगा कि लोग अपने गाड़ी यानी कि वाहन के पीछे जाति सूचक शब्द, अपनी जाति या फिर नाम, धर्म वगैरह लिखवाते हैं, लेकिन इसको लेकर अब पुलिस जो है कार्रवाई करने पर लगी हुई है। और इसी बात को लेकर नोएडा शहर की ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट पर जाति सूचक या फिर आक्रामक शब्द लिखे वाहनों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत पुलिस ने 250 वाहनों का चालान भी काटा है। चलिए तो हमारी आज की अगली खबर है अयोध्या में 551,000 दिए जलाने का बना रिकॉर्ड, CM योगी भी हुए शामिल। जी हां दोस्तों, दिवाली के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे और उनकी उपस्थिति में भगवान राम की झांकी निकाली गई थी। अयोध्या में दिवाली के मौके पर पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान राम के लिए 551,000 घी के दिए जलाए गए थे। चलिए तो हमारी आज की अगली खबर है अमेरिका में भी दिवाली की धूम, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी समूह के साथ मनाई दीपावली। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे दीपावली का त्यौहार व्हाइट हाउस में मनाएंगे, और ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने दीपावली का त्यौहार जो है इतनी धूमधाम से मनाया हो। दरअसल अमेरिका में भी चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं।
चलिए तो हमारी आज की अगली खबर है, इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च होगी बजाज क्विट, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बजाज की सबसे छोटी कार बजाज क्विट जो है फोर सीटर कार लॉन्च होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में। पहले ये जो कार जो है इलेक्ट्रॉनिक की जगह पर पेट्रोल और डीजल वेरियंट में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कंपनी ने ई मोबिलिटी के चलते वेरियंट में बदलाव किया है और अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में आपको देखने को मिलेगी। चलिए तो हमारी आज की अगली खबर है, इस बार जवानों के साथ बॉर्डर पर दिवाली मना सकते हैं पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, दिवाली पर दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों के संवाद की अपनी परंपरा को कायम रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अग्रिम इलाके का दौरा करने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस साल भी पीएम मोदी दिवाली पर सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं। चलिए तो हमारी अगली खबर है, शास्त्री ने कहा धोनी पर बयान देने वालों में से आधे लोग जूतों के फीते भी ठीक से नहीं बांध पाते। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर राय देना उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं है। शास्त्री ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा कि धोनी पर बयान देने वालों आधे लोग जूते के फीते भी सही से बांध नहीं पाते। भारत के लिए 15 साल खेलने वाले खिलाड़ी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, क्या उन्हें यह पता नहीं होगा? शास्त्री ने सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी थी। चलिए तो हमारी अगली खबर है, दिवाली पर ट्रेन में ये चीजें ले जाना पड़ सकता है महंगा, पकड़े जाने पर हो सकती है 3 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी दिवाली के समय में ट्रेन से घर जाने वाले और अपनों के लिए गिफ्ट लेकर जाने वाले हैं तो आपको यह खबर जान लेनी चाहिए। आपको बता दें कि दिवाली पर कई चीजों पर ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर रेलवे ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर आप इन चीजों को लेकर जाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। दरअसल रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में एक ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया है कि रेल मंत्रालय में यानी कि रेल परिसर में ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे, माचिस, फुलझड़ी, गैस सिलेंडर, केरोसिन, बारूद आदि ले जाना गैरकानूनी और एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की जेल अथवा दंड देना पड़ सकता है। चलिए तो हमारी आज की अगली खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अस्पताल में आया हार्ट अटैक, हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर तक जमानत दी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत बेहद गंभीर है। शनिवार दोपहर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इसमें कुछ देर के बाद ही नवाज शरीफ के भाई शहनाज इस्लामाबाद कोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर याचिका दायर की और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को इलाज के लिए फौरन जमानत देकर रिहा किया जाए। चलिए तो हमारी आज की अगली खबर है, बेनामी संपत्ति से निपटने के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान, आधार से लिंक होगी प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, बेनामी संपत्ति और काले धन से निपटने के लिए मोदी सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। अब जितने भी देश भर में अचल संपत्तियां हैं उन सभी को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी जमीन, मकान, फ्लैट, जितनी भी संपत्तियां हैं उन सभी को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी हो जाएगा। चलिए तो बात करेंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार भारतीय सराफा बाजार में गोल्ड प्राइस की। तो सबसे पहले बात करते हैं 22 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,765 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 30,120 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 37,650 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,76,500 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। और ये जो हमने आपको 22 कैरेट गोल्ड की कीमत जो बताई है इसमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से होता है। 22 कैरेट का गोल्ड होता है वह ज्वेलरी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। चलिए तो बात करते हैं 24 कैरेट और शुद्ध सोने की कीमत की। 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की बात करें तो 1 ग्राम के अनुसार 3,885 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 31,080 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 38,850 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,88,500 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। ये जो 24 कैरेट सोना होता है वो ज्यादातर जो बिस्किट आती है गोल्ड की उसमें उपयोग में लिया जाता है, मतलब कि जो बिस्किट होती है गोल्ड की वो 24 कैरेट शुद्ध सोने की होती है। चलिए तो बात करेंगे भारत के अलग अलग शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस दी गई है। ओके, तो आज है दिवाली और आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है दोस्तों कि दिवाली का त्यौहार आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना। जो लोग इसका सही जवाब देंगे ना उनके नाम रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसके साथ में पेटीएम कैश भी। और हाँ दोस्तों, विजेताओं के नाम 29 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित भी किए जाएंगे, है ना। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब देने के बाद वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उनके नाम सबसे पहले आने की संभावना ज्यादा है। चलिए तो बात करेंगे चांदी के भाव की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी के भाव में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। चांदी का ताजा भाव 47,750 रुपए पर चल रहा है। वहीं दोस्तों, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, क्योंकि हम यहाँ पर रोज आपके लिए 22 कैरेट 24 कैरेट के अनुसार सोने चांदी का ताजा भाव और इसी के साथ में कुछ काम की गिनी चुनी खबरों को पहुँचाते रहते हैं।
तो ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, तो आज के मुख्य समाचार में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर ढेर सारी बधाई, आप सभी के घर में खुशी आए और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो।